ओके सो गाइज, आप लोग भी कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ मेरे जैसा एडिटिंग सीखना चाहते होंगे तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग रियल तरीके से सीखना चाहते होंगे तो इस वीडियो को आप लोग को स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, यूट्यूब पे आप लोग जा करके सर्च कर लीजिएगा, जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेम आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस, शेयर करने बाद सिंपली कुछ इस तरीके से आ जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे तो आज आप लोग को रियल तरीके से बताने वाले हैं अपने जैसा फोटो एडिटिंग। सो गाइस, शेयर करने बाद अगर मान लीजिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है तो वीडियो को स्किप करके आप लोग को नहीं देख रहा है। सो गाइस, शेयर करने सिंपली आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड टूल्स वाला आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना होगा ट्यून इमेज पे। एंड गाइस, ट्यून इमेज पे क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग एम्बियंस को थोड़ा सा बढ़ाइएगा कुछ इस तरीके से 41+, ठीक है। एंड गाइस, इतना करने सिंपली आप लोग को शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा तो कुछ इस तरीके से +45 कर दे रहे हैं। एनहांस हाईलाइट्स को आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा। एंड गाइस, इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना, ठीक है। डन करना फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड टूल्स वाला आइकन पे क्लिक करने बाद फिर से आप लोग को क्लिक कर देना होगा टोटल कंट्रास्ट पे, ठीक है। एंड गाइस, टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक करने बाद सिंपली हाई टोन को आप लोग 0 कर देना है। एंड मीडियम टोन को भी आप लोग को 0 कर देना है। एंड इस वाले टोन को भी आप लोग को 0 कर देना होगा। एंड सबसे लास्ट में प्रोटेक्ट हाईलाइट्स है, ठीक है, उसको सिर्फ आप लोग ना 100 बढ़ाइएगा, ठीक है, 100+। एंड गाइस, इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड गाइस, टूल्स वाला आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना होगा फिर से ट्यून इमेज वाला ऑप्शन पे। एंड फिर से आप लोग को एम्बियंस को बढ़ा लेना होगा 51+ कर दे रहे हैं। एंड गाइस, इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए फिर आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आप लोग फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो गाइस, फोटो सेव करना फिर से आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस, शेयर करने बाद सिंपली कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा तो फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे। एंड गाइस, इसका ब्लर स्टेन आप लोग को 0 कर देना होगा। एंड ट्रांजिशन को भी आप लोग को 0 कर लीजिएगा। एंड सबसे लास्ट में होगा बिगनेट स्टेन, इसको भी आप लोग को 0 कर लेना होगा। एंड इसको आप लोग को छोटा कर लेना है, यहाँ से आप लोग कॉर्नर में एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड ब्लर स्टेन को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना होगा +49 कर दे रहे हैं। एंड गाइस, इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली शेयर के बगल में एरो का निशान होगा उस पर आप लोग आ जाइएगा। एंड व्यूडिस पे आ जाइएगा, फिर से आप लोग को लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना होगा। एंड आप लोग को पेंसिल वाले आइकन पे, ठीक है, ब्रश पे। एंड कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा, फोटो को आप लोग को जूम कर लेना है। एंड गाइस, फोटो जूम करने में सिर्फ आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। अभी तो हम लोग एक लेयर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने फेस के ऊपर। अभी आप लोग बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कैसे आप लोग कर पाएंगे, वो भी मेरे जैसा। अभी हम लोग एक लेयर सिर्फ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे तो आप लोग सेम मेरे जैसा एडिटिंग करना सीख जाएंगे, फेस स्मूथ का मास्टर बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितना अच्छे तरीके से हम लोग फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं लेंस ब्लर को, सॉरी। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। ओके सो गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने फेस के ऊपर लेंस ब्लर अप्लाई कर चुके हैं। देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग अभी फेस स्मूथ हो चुका है, बट उतना नहीं हुआ है मेरे जैसा। एंड गाइस, इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से आप लोग को बैक आ जाना होगा। देखिए फिर आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके गाइज, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज, शेयर करना सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आप लोग को ऑटो पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड गाइज, ऑटो पे क्लिक करना होगा, सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना होगा कलर वाले ऑप्शन पे। एंड मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, येलो टोन पे आप लोग आ जाएगा। एंड इसका सेचुरेशन आप लोग 100 माइनस कर लीजिएगा। फिर से आप लोग को ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसका भी सेचुरेशन आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा। एंड गाइज, इतना करना फिर से आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका सेचुरेशन आप लोग को 100+ कर देना होगा। एंड गाइज, इतना करना सिंपली आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से -45 कर लीजिएगा। एंड लिमिनस को कुछ इस तरीके से आप लोग को बढ़ा लेना होगा तो 100+ कर देना है, ठीक है, 100+। एंड गाइज, इतना करना फिर से आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करना फिर से आप लोग को सेलेक्टिव वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा, फोटो को जूम कर लीजिएगा। एंड ऊपर प्लस वाला आइकन होगा उस पर क्लिक करके ब्रश पे क्लिक कर देंगे, छोटा सा बिंदु होगा उस पर क्लिक करके सिर्फ आप लोग अपने ओठ के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। एंड यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग अपने लिप्स को कलर अप्लाई कर लीजिएगा। एंड गाइज, इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए फिर आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आप शेयर पे क्लिक करके सेफ्टी डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा।
ओके सो गाइस फोटो सेव करने वाला सिंपल आपको शेयर कर लेना होगा पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइस शेयर करने वाला सिंपल आपको आ जाना होगा ऐड फोटो पे एंड ऐड फोटो पे आने वाला सिंपल आपको रिसेंट पे क्लिक कर देना होगा। रिसेंट पे क्लिक करने वाला गैलरी पे आ जाइएगा आप लोग एंड एल्बम में एंड ऑल फोटोज में ठीक है। स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाएंगे एंड हमारे पास कैंडल का पीएनजी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से ऐड कर लीजिएगा एंड गाइस ऐड करने कुछ इस तरीके से आप लोग इसको छोटा कर लीजिएगा एंड आप लोग को एक ही बार में फोर लेयर बना लेना होगा ठीक है। डुप्लीकेट पे क्लिक करके एक फिर से लेयर बना लेंगे एंड फिर से हम लोग एक लेयर बना लेंगे ठीक है एंड फिर से हम लोग एक लेयर बना लेंगे। आप लोग बार बार ऐड करेंगे तो ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट हो जाएगा ठीक है। मैं सोचता हूँ आप लोग जल्दी से मैं एडिटिंग आपको अपने जैसा सिखा दूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड गाइस देखिएगा एडजस्ट करने में सिंपली यहाँ से आप लोग इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है। अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा एंड ये वाला पीएनजी है ना, सॉरी फ्रेंड ये कैंडल पीएनजी, इसको आप लोग अच्छे से अप्लाई कीजिएगा एंड गाइस इतना करने में देखिए कितना औसम तरीके से हम लोग का लग रहा है। एंड गाइस आप लोग चाहते हैं तो यहाँ से इसका ऑपेसिटी आप लोग कम कर सकते हैं ठीक है। तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने में सिंपली यहाँ से आप लोग हम डन कर लेंगे। डन करने में सिंपली आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो मेरी जान फोटो सेव करने वाला सिंपल लोगों को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर लिया हूँ ठीक है, क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो। एंड गाइस शेयर करो सिंपल लोगों को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग देखिएगा मैं अच्छा सा ब्रश बताता हूँ ठीक है। इस वाले ब्रश पर क्लिक कर लीजिएगा एंड सेटिंग देख लीजिए, फालो को 3 रखिएगा एंड स्टैंड को 40 रखना होगा स्टैंड को ठीक है एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा एंड कुछ इस तरीके से। पहले तो हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फेस को स्मूथ किए हैं एंड हम लोग अब ना ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर स्मूथ करने जा रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे से स्मूथ नहीं हुआ ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जैसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, फेस को स्मूथ करेंगे तो आप लोग का डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा एंड आप लोग का फोटो मेरे जैसा दिखने लगेगा ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ गाल के बगल में अच्छे से स्मूथ नहीं हुआ है तो कुछ इस तरीके से आप लोग हल्के हाथों से अप्लाई कीजिएगा ब्रश को, आप लोग को पता चलता होगा ठीक है। जैसे मैं स्मूथ कर रहा हूँ सेम आप लोग देखिएगा डिस्प्ले पे कितना औसम तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग डुप्लीकेट एक दो लेयर चलाए हैं ठीक है, क्योंकि एक स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर एक ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो देखिए मेरे जान कितना अच्छे तरीके से हम लोग अपने फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं। पहले ही हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फेस को स्मूथ कर लिए थे एंड हम लोग डुप्लीकेट लेयर अप्लाई किए हैं ठीक है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि हम लोग दूसरा एक ब्रश अप्लाई फिर से कर रहे हैं फेस के ऊपर। सो गाइस आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग राइजर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं कि इस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल HD एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।